हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोक के बावजूद पटाखा विक्रय पर कार्रवाई, बाजार में रोक के बावजूद विक्रय पटाखे किए जब्त। राज्य सरकार की रोक के बावजूद बाजार में पटाखा विक्रय करने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दुकान पर बिक रहे पटाखे जब्त किए गए, साथ ही दुकानदारों को सरकार द्वारा पटाखा बिक्री पर रोक लगाने की जानकारी दी गई। राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर पटाखा बिक्री करने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, साथ ही पटाखा विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। रोक के बावजूद बाजार में पटाखा की दुकानें सजाने की शिकायत मिलने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार रामस्वरूप जौहर, नायब तहसीलदार विकास सारण, पुलिस लवाजमा के साथ बाजार में पहुँचे, जहां उन्होंने सदर बाजार से लेकर पारसी चाल क्षेत्र समेत पूरे बाजार का जायजा लिया। पारसी चाल क्षेत्र में एक पटाखा विक्रेता की दुकान पर कार्रवाई की गई, पटाखे जब्त किए गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने कार्रवाई पर आपत्ति भी जाहिर की, लेकिन पटाखे जब्त कर लिए गए। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। कई पटाखा विक्रेताओं ने उनके पटाखे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए। राज्य सरकार की ओर से पटाखा विक्रय पर रोक के मामले में कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पटाखा विक्रय करते पाए जाने पर 10,000 को पटाखा खरीदने वाले से 2,000 रुपए जुर्माना वसूल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पालिका की ओर से भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ईओ के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पटाखों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बाद भी यदि कोई दुकानदार, खरीददार पालिका क्षेत्र में आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो संबंधित के विरोध राजस्थान महामारी उन्मूलन अधिनियम 2020 की धारा 11 के तहत जुर्माना वसूल किया जाएगा। पटाखों का विक्रय करने वाले दुकानदार से 10,000 और खरीदने वाले से 2,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।